हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपकी यूनिट सेकंड एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन पोर्शन हम देख रहे हैं यूनिट सेकंड का। तो एवेपोरेशन पोर्शन में हम देख रहे हैं एवेपोरेशन इक्विपमेंट। तो एवेपोरेशन इक्विपमेंट जो है आपके, वो है आपके हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर के बारे में। तो इसका हम देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर, ये जो इमेज में सामने दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर आपके एक ही टाइप का नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो अलग अलग कंट्री और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, आपके ट्यूब एवेपोरेटर का शेप भी चेंज होता रहता है। तो ये भी क्या है, एक टाइप है आपके हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर का। तो फर्स्ट देखते हैं हम इसका प्रिंसिपल्स। इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर स्टीम इज पासेस थ्रू द हॉरिजॉन्टल ट्यूब विच आर इमर्ज इन अ पूल ऑफ द लिक्विड टू बी एवेपोरेटेड। तो यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर में अगर हमें किसी लिक्विड को हमें क्या करना है, एवेपोरेट करना है। तो उस लिक्विड को हम क्या करेंगे, आपके हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर के अंदर फिल करते हैं। और हॉरिजॉन्टल ट्यूब जो आपके एवेपोरेटर में प्रेजेंट है, तो उन हॉरिजॉन्टल ट्यूब के थ्रू हम क्या करते हैं, हम स्टीम को पास करते हैं। और स्टीम के पास होने की वजह से ये लिक्विड क्या करता है, स्टीम के थ्रू जो भी हीट प्रोवाइड हो रही है, या कहें जो भी स्टीम के थ्रू आपकी हीट क्या है जनरेट हो रही है, उस हीट को क्या करता है, लिक्विड गेन करता है। ठीक है, और लिक्विड क्या होता है, आपके हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर के अंदर के चैम्बर में एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। हीट ट्रांसफर टेक प्लेस थ्रू आउट द ट्यूब एंड द लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब गेट हीटेड। तो जब हम स्टीम पास करते हैं हॉरिजॉन्टल ट्यूब के थ्रू, जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब होती है उनके थ्रू स्टीम पास करते हैं, तो ये स्टीम से जो हीट निकलती है वो हीट क्या करती है, आपके लिक्विड को एवेपोरेट करना स्टार्ट कर देती है। और लिक्विड कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्यूब के बाहर के साइड। द सॉल्वेंट एवेपोरेटर एंड एस्केप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द एवेपोरेटर। और जो भी आपके जो लिक्विड एवेपोरेट होता है, या कहें लिक्विड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, तो सॉल्वेंट जो एवेपोरेट हो रहा है वो एवेपोरेट क्या है, या कहें सॉल्वेंट वेपर्स क्या हैं, आपके एवेपोरेटर के ऊपर की तरफ से बाहर की तरफ मूव आउट हो जाती हैं। द कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड इज कलेक्ट फ्रॉम द बॉटम्स। और जो भी कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड होगा वो बॉटम से हम कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सिलेंड्रिकल बॉडी विथ कॉनिकल और डोम शेप टॉप एंड बॉटम। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर की। और इसमें क्या है, कॉनिकल और डोम शेप टॉप और बॉटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये पूरा होल ओवर आप जो बॉडी देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिलेंडर। तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है। और नीचे क्या है, यहाँ पे कॉनिकल, या इसको बोलते हैं हम डोम शेप। ठीक है, तो कॉनिकल और डोम शेप टाइप के इसके टॉप और बॉटम प्रेजेंट है। इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और प्लेट स्टील। ठीक है, तो ये कास्ट आयरन और स्टील से बने होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर। और इनका जो साइज होता है, जो बॉडी का साइज होता है, तो इनकी जो हाइट है, साइज की अगर बात करें तो हाइट है 2.4 से लेके 3.6 मीटर हाइट। ठीक है, तो ये 2.4 से 3.6 मीटर हाइट के होते हैं। और इनका जो डायामीटर है, जो अंदर का सर्कुलर जो डायामीटर है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, जो ये हाइट की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ इनकी जो हाइट है 2.4 से 3.6 मीटर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर का डायामीटर मेज़र करते हैं। ठीक, तो सिलेंडर का डायामीटर अगर देखेंगे, तो सिलेंडर का डायामीटर कितना है आपके, 1.8 से लेके 2.4 मीटर डायामीटर प्रेजेंट होता है। द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ द स्टीम कंपार्टमेंट विथ एन इनलेट फॉर द स्टीम एट वन एंड्स एंड द अदर वेंट फॉर नॉन कंडेंसेबल गैसेस ऑन द अदर हैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके नीचे वाला जो कंपार्टमेंट्स है, वो नीचे वाले कंपार्टमेंट में क्या है, आपके स्टीम वाला पोर्शन प्रेजेंट होता है। पॉइंटर से शो आउट कर रही हूँ मैं, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपके, ये नीचे वाला पोर्शन आपके पूरा स्टीम वाला स्टीम कंपार्टमेंट है। ठीक, तो हम स्टीम इनलेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके एक एंड पर। तो यहाँ पे क्या है, आपके स्टीम इनलेट यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से क्या करते हैं, हम स्टीम को अंदर एंटर करते हैं। ठीक,
और यहाँ पे क्या है आपकी, ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये जो बनी हुई है, दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स। ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब क्या है, यहाँ से ओपन है, यहाँ से भी ओपन है और यहाँ से भी ओपन है। तो ये क्या है, ये सारी आपकी ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स आपकी प्रेजेंट हैं, ठीक। इन्हीं हॉरिजॉन्टल ट्यूब के थ्रू क्या है आपकी स्टीम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करती है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टीम को जब अंदर की तरफ इनलेट से एंटर कराएंगे तो ये क्या है, यहाँ पे ट्रैवल करेंगे इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक। दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे एक वेंट प्रेजेंट होता है, जो नॉन कंडेंसेबल वेपर्स होती हैं वो नॉन कंडेंसेबल वेपर्स इस वेंट के थ्रू बाहर की तरफ पास आउट हो जाती हैं। और जो स्टीम आपकी कंडेंसेट होती है, या कहें स्टीम जो ठंडी हो रही है, कूल वेपर कंडेंसेट वेपर आपकी ये दोनों आउटलेट के थ्रू बाहर की तरफ मूव आउट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, द कंडेंसेंट आउटलेट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द स्टीम कंपार्टमेंट, ठीक है। अभी देखा आपने, दो कंडेंसेंट आउटलेट प्रेजेंट है आपकी स्टीम कंपार्टमेंट में। इन द स्टीम कंपार्टमेंट 6 to 8 स्टेनलेस स्टील हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या है आपकी, स्टीम कंपार्टमेंट बना हुआ है ये नीचे वाला। तो यहाँ पे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल, ये ट्यूब्स मैंने बताया, जैसे ये क्या है आपकी ट्यूब्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 6 से 8 हॉरिजॉन्टल ट्यूब प्रेजेंट हो सकती हैं। एट वन कन्वीनियंट पॉइंट एन इनलेट फॉर द फीड इज़ प्रोवाइडेड। तो क्या है, यहाँ पे इसी स्टीम कंपार्टमेंट के अंदर क्या है, एक नीचे आपकी आउटलेट प्रेजेंट होती है। ये देख रहे हैं, ये आपकी प्रोडक्ट आउटलेट है। जब आपका प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो इस आउटलेट के थ्रू हम उस कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट को बाहर की तरफ मूव आउट कर लेते हैं। वन आउटलेट फॉर वेपर्स इज प्लेस एट द टॉप ऑफ द डोम, अनोदर आउटलेट फॉर थिक लिक्विड इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द कॉनिकल बॉटम्स ऑफ द बॉडी, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर ये ऊपर वाला जो पोर्शन, नीचे क्या हो गया स्टीम कंपार्टमेंट, अब ऊपर का चैम्बर देख लेते हैं हम। ऊपर के चैम्बर्स में क्या है आपकी, ये यहाँ पे क्या है आपका, ये फीड मटेरियल, जो भी आप मटेरियल को फीड कर रहे हैं, ये फीड मटेरियल क्या है यहाँ पे आपके प्रेजेंट है। तो ये आपका पूरा का पूरा ये क्या है, ये फीड मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है। जब ये फीड मटेरियल, ये जो नीचे आपकी ट्यूब्स लगी हुई हैं, ये ट्यूब्स क्या है, स्टीम की वजह से आपकी हीटअप होती हैं। तो ये फीड मटेरियल क्या करता है, हीट को गेन करता है और हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फीड मटेरियल जब हीटअप होता है तो इससे भी क्या है, सॉल्वेंट वेपर्स बाहर की तरफ मूव आउट होना स्टार्ट हो जाती है एवेपोरेशन कंडीशन की वजह से। तो जो सॉल्वेंट वेपर्स बाहर की तरफ मूव आउट होंगी या आपके कॉनिकल सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट होंगी, तो वो क्या होंगी, ऊपर एक वेंट प्रेजेंट होगा, जो जिसको कहेंगे सॉल्वेंट वेपर वेंट। तो इस वेंट से आपकी जो सॉल्वेंट वेपर्स रहेंगी वो बाहर की तरफ मूव आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो और यहाँ से क्या है, यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं फीड इनलेट, ठीक है। तो ये था पूरा आपके कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्किंग वाला पोर्शन। द फीड इज इंट्रोड्यूस इन टू द एवेपोरेटर अंटिल द स्टीम्स कंपार्टमेंट इज सेटिस्फैक्ट्री इमर्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस इक्विपमेंट के अंदर, हम स्टीम को क्या करते हैं, अंदर एंटर करते हैं, जिससे क्या है अंदर स्टीम कंपार्टमेंट में एंटर होती है। तो एंटर होने की वजह से क्या है, अंदर की ट्यूब्स एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, फीड को अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, मीन्स अंदर की तरफ फीड को एंटर करा देते हैं इक्विपमेंट के अंदर। द स्टीम इज इंट्रोड्यूस इन टू द स्टीम कंपार्टमेंट, स्टीम कहाँ एंटर कराते हैं, स्टीम कंपार्टमेंट में। द हॉरिजॉन्टल ट्यूब रिसीव हीट फ्रॉम द स्टीम्स एंड कंडक्ट इट टू द लिक्विड ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब क्या करती है, ही स्टीम से जो हीट मिल रही है हॉरिजॉन्टल ट्यूब को, तो स्टीम की हीट की वजह से हॉरिजॉन्टल ट्यूब क्या है, हीटअप होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी हीट को क्या करते हैं, लिक्विड या कहें आपका जो फीड मटेरियल है, वो फीड मटेरियल क्या है, इस हीट को गेन करना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या है आपका मटेरियल एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। स्टीम कंडेंसेट पासेस थ्रू द करस्पॉन्डिंग आउटलेट, और जो स्टीम आपकी हैं, जो स्टीम ठंडी हो रही हैं, कूल हो रही हैं, उन कंडेंसेट्स स्टीम को हम क्या करते हैं, कंडेंसेट्स आउटलेट के थ्रू पास आउट कर देते हैं, ठीक। द फीड एब्जॉर्ब्स हीट एंड सॉल्वेंट गेट एवेपोरेटेड, ठीक है। तो फीड क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ये एवेपोरेट हो रहा है साथ में। द वेपर्स देन एस्केप्स थ्रू द आउटलेट प्लेस एट द टॉप, और ऊपर क्या है, सॉल्वेंट वेपर जो आउटलेट वेंट प्रेजेंट है, उस वेंट के थ्रू आपकी सॉल्वेंट वेपर बाहर की तरफ मूव आउट हो जाती हैं, जो एवेपोरेशन कंडीशन की वजह से क्रिएट हो रही हैं। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू अंटिल अ थिक लिक्विड इज फॉर्म,
विच कैन बी कलेक्ट फ्रॉम द बॉटम। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक क्या है आपका जो फीड मटेरियल आपने एंटर करा है वो थिक लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, या कहें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक हम ये प्रोसेस कंटिन्यूसली अप्लाई करेंगे। और जो थिक लिक्विड हो जाएगा उसको क्या करेंगे हम बॉटम वाले पोर्शन से बाहर की तरफ मूव आउट कर लेंगे। अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि इसका इसकी वर्किंग किस तरीके से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, ये जो आपकी स्टीम वेंट है, इस स्टीम वेंट के थ्रू क्या है हम स्टीम को पास करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या है स्टीम इनलेट से स्टीम पास होना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टीम क्या होगी आपकी ये वेंट के थ्रू, ये जो ट्यूब बनी है आपकी हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स प्रेजेंट है इस स्टीम कंपार्टमेंट में, ठीक है, हम इसे स्टीम कंपार्टमेंट कहते हैं। तो स्टीम कंपार्टमेंट में क्या है आपकी स्टीम क्या है पास होना, इन ट्यूब के थ्रू स्टीम पास होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जब इन ट्यूब्स के थ्रू आपकी स्टीम पास होना स्टार्ट होगी तो आपकी धीरे धीरे स्टीम क्या है इन ट्यूब में जाना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। तो जब स्टीम यहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे मीन्स इस वजह से क्या होगा आपकी जो ट्यूब्स हैं वो हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स हीट अप होना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये हीट क्या होगी ऊपर की तरफ यहाँ पे जो मटेरियल प्रेजेंट होगा उस मटेरियल, वो मटेरियल क्या हो करेगा इस हीट को गेन करना स्टार्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं हीट को जनरेट करना, या कहें स्टीम को अंदर की तरफ एंटर कराना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये स्टीम क्या है ट्यूब में फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं फीड मटेरियल को अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो इस वाले इनलेट से हम क्या है फीड मटेरियल को अंदर इंसर्ट कर लेंगे, ठीक। तो फीड मटेरियल यहाँ पे क्या है आपके आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फीड मटेरियल कलेक्ट कहाँ होगा, ट्यूब जो आपकी हॉरिजॉन्टल ट्यूब है उसके ऊपर फीड मटेरियल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीड मटेरियल क्या करेगा आपकी जो हीटेड हॉरिजॉन्टल ट्यूब होगी स्टीम के वजह से, जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब हीटअप हो रही है वो हीटअप ट्यूब से क्या करेगा आपका फीड हीट को गेन करना स्टार्ट कर देगा, हीट को गेन करना स्टार्ट कर देगा। जब हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा तो हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगा इस फीड मटेरियल में से क्या होंगे आपकी सॉल्वेंट वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और सॉल्वेंट वेपर्स क्या होंगे एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्या है आपकी वेपर्स बन रही हैं, तो ये क्या हो रही है एवेपोरेट हो रही हैं, और यही सॉल्वेंट वेपर्स जो आपकी एक्सेस वेपर्स होंगी जो एवेपोरेट हो रही हैं वो क्या होंगी इस सॉल्वेंट वेंट के थ्रू बाहर की तरफ पास आउट हो जाएंगे, ठीक। और जो स्टीम आपकी कंडेंस होगी ठंडी हो जाएंगी वो क्या होंगी इस कंडेंसेट आउटलेट के थ्रू, दोनों तरफ प्रेजेंट है आपकी कंडेंसेट आउटलेट, इन दोनों कंडेंसेट आउटलेट के थ्रू कंडेंसेट्स बाहर की तरफ मूव आउट हो जाएंगे, ठीक। और जो एक्सेस वेपर्स होंगी वो आपकी इस वेंट के थ्रू बाहर की तरफ पास आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है, जो फीड आपका हीटअप होने की वजह से क्या हो रहा है एवेपोरेट हो रहा है, तो नीचे क्या बचेगा कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड बचेगा। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड या कहें थिक लिक्विड यहाँ इस पोर्शन पे कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है हम लिक्विड को क्या करेंगे इस आउटलेट के थ्रू बाहर की तरफ मूव आउट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या है कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट को बाहर की तरफ हम मूव आउट कर लेंगे। अब देखते हैं इसके यूजेस। हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर इज सुटेबल फॉर नॉन विस्कोस सॉल्यूशन दैट डू नॉट डिपोजिट क्रिस्टल्स ऑन द एवेपोरेशन। एग्जाम्पल क्या है इसका, कैस्कारा एक्सट्रैक्ट। तो हम हॉरिजॉन्टल ट्यूब में ऐसे सॉल्वेंट को हम एवेपोरेट करते हैं जो क्या है नॉन विस्कोस टाइप के है, ठीक है, क्योंकि नॉन विस्कोस जो आपके लिक्विड्स होंगे वो क्रिस्टल्स ग्रोथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल्स डिपोजिशन या कहें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इसमें अप्लाई नहीं होती है आपके हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर के अंदर। तो यहाँ पे क्या है नॉन विस्कोस लिक्विड का ही हम एवेपोरेशन प्रोसेस क्रिएट करते हैं, ठीक। तो जैसे आपके कैस्कारा एक्सट्रैक्ट होते हैं इनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम क्या है हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर का यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर ऑफ हीट सरफेस इज़ यूजली लेस इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर। यहाँ पे क्या है आपकी जो हीटिंग सरफेस मींस क्या है ट्यूब हीटअप होने के वजह से आपके ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपका मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जिससे क्या है मटेरियल अच्छे से एवेपोरेट होगा। तो यहाँ पे क्या है आपकी जो हीटिंग कॉस्ट है वो हीटिंग कॉस्ट क्या होती है मिनिमाइज होती है हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर में। डिसएडवांटेज क्या है, हाई हेड रूम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये क्या है एवेपोरेटर आपका लंबा होता है 2.4 से 3.6 मीटर का होता है। तो हाइट इसकी ज़्यादा होने की वजह से क्या है हमें ज़्यादा हाइट वाला रूम की रिक्वायरमेंट होती है इस इक्विपमेंट को सेटअप करने के लिए। हायर प्रेशर ड्रॉप थ्रू द ट्यूब देन इन द फॉलिंग फिल्म एवेपोरेटर। फॉलिंग फिल्म एवेपोरेटर के कंपेरिजन में यहाँ पे क्या है प्रेशर ड्रॉप या कहें प्रेशर लॉसेस, हायर प्रेशर ड्रॉप होता है आपके हॉरिजॉन्टल हीट एवेपोरेटर में, ठीक है। यहाँ पे क्या है वेपर्स आपकी बाहर की तरफ
बाहर पास आउट हो रही हैं आपकी जो भी लिक्विड है, तो यहाँ पे क्या है, हायर प्रेशर लॉसेस होंगे, ठीक है, हायर प्रेशर डिफरेंसेस आएंगे आपके हीट इवेपोरेटर के अंदर। तो ये भी एक इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये था आपके सेकंड टाइप का हीट इवेपोरेटर, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। तो फर्स्ट टाइप हमने देखा जैकेटेड कैटल इवेपोरेटर, एंड सेकंड टाइप आपके हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर के अंदर हमने स्टडी किया है इसका प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। साथ में हमने देखा कि मतलब किस टाइप की हम लिक्विड में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नॉन विस्कस लिक्विड के लिए स्पेशली यूज़ होता है आपके हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। इसका एडवांटेज क्या है, यहाँ पे क्या है, आपकी जो हीटिंग कॉस्ट है वो आपको कम, मींस हीटिंग कॉस्ट कम पड़ती है, जल्दी एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है आपका लिक्विड, अच्छे से हीट गेन करता है, इसलिए यहाँ पे क्या है जो हीट कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका, लंबा होता है इक्विपमेंट, इसलिए हमें क्या है बड़े रूम की नीड होती है, ठीक, और यहाँ पे क्या है प्रेशर ड्रॉप ड्रॉप ज़्यादा होता है इस इक्विपमेंट के अंदर। तो ये था पोर्शन आपके हीट या कहें एवेपोरेटर से रिलेटेड। तो आई होप आप लोगों को ये पोर्शंस क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।